शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बढ़ते बिजली और पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस की ओर से शहर के संविधान चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं, जिसके विरोध में शहर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को संविधान चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे और ग्रामीण अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र मुलक के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में किशोर गजबिये और कांग्रेस महासचिव राम किशन ओझा भी उपस्थित थे। देखिए, इस हमने पेट्रोल और डीजल वार के विरुद्ध में सरकार से हमारी ये मांग है कि जिस तरह से वो पेट्रोल और डीजल में दरवाड़ कर रहे हैं, ये दरवाड़ जो है बहुत नाजायज़ है, गलत तरीके से की जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर तो इनका कार्यकाल जब शुरू हुआ था केंद्र सरकार में, तब से लेकर अभी तक का कंटिन्यूएशन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे डीजल का, क्रूड ऑयल का रेट गिरता रहा है। जो रेट आज से 6 साल पहले था, उससे आधे से कम वो रेट हो गया है। आज सुबह जब हमने पता किया, चेक किया, तो पेट्रोल पंप पे सुबह का रेट 87 रुपये रेट था। अब ये जिस तरह से कंटिन्यूएशन में रोज़ के रोज़ डीजल और पेट्रोल और गैस के रेट बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारी घरणियाँ परेशान हैं, हमारे जो मध्यमवर्गीय लोग हैं जो परेशान हैं। क्योंकि एक तरफ हम महामारी से जूझ रहे हैं, पूरे विश्व स्तरीय महामारी हमारे देश में भी चल रही है, जिसमें लोगों के काम धाम छूट गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, उनकी पगारें कम हो गई 40-40, 50-50%, और केंद्र सरकार इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। डीजल और पेट्रोल के रेट पे रेट बढ़ाई जा रही है, जिसका मेन अटैक, मेन रोल जो होता है महंगाई के ऊपर रहता है। इससे कई तरह के नुकसान है। एक तो महंगाई बढ़ती है, लोगों के जेब से वजन पड़ता है, इसलिए हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश भर में, और हमें चाहते हैं कि दरों को कम करें। और जब क्रूड आपको सस्ता मिल रहा है, कई जगह तो ऐसा हो रहा है, रशिया में पता चला है कि भाई उनके पास इतना क्रूड जमा हो गया है कि उनका रखने की जगह नहीं है, वो बोलते हैं फ्री में लेके जाओ, और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लग रहा है। इतना सब होने के बाद भी देश की जनता को लूटना है, कहाँ तक ठीक है? ये ठीक नहीं है। देश परेशानी में है, तकलीफ में है, इस समय उनके कंधे पे हाथ रखने की ज़रूरत है। डीजल पेट्रोल गैस के रेट कम करने की ज़रूरत है, बाकी महंगाई कम करने की ज़रूरत है, लोगों को आर्थिक सहायता देने की ज़रूरत है, और ऐसे मौके पर आप इस तरह से लूटा लूट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमें आंदोलन कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं हुई तो इस देश में लोग घरों से निकलेंगे, क्योंकि आज परिस्थिति बुरी है। इनको ऐसा लग रहा है केंद्र सरकार को कि भी आज लॉकडाउन खुला है, ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, धारा 144 कई जगह लागू है, और कानूनन तरीके से लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इसलिए शायद आंदोलन का असर नहीं हो रहा है। लेकिन अंदर लोगों के दिलों में आग लगी हुई है, लोगों के जेबों में आग लगी हुई है, वो ठीक नहीं। हम कांग्रेस पार्टी उन जनता के साथ में है, जनता और कांग्रेस पार्टी मिलके इस आंदोलन को जोर से करेंगे। क्योंकि आपने देखा है 2014-13 में, 12 में स्मृति ईरानी जी लोग चूड़ियां भेज रही थी प्रधानमंत्री जी को, खुद मोदी जी तरह तरह के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये वादे भूलना नहीं तो क्या है? एक तरफ आप काम की बात करते हो, इधर जब आपका सत्ता आ गई है तो आप लोगों की जेब लूट रहे हो, और ऐसे समय जब देश मुसीबत में है, लोग मुसीबत में है, परेशान है, उनके पास अनाज के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, उनको घर से जाने के लिए पैसे नहीं है, बसें बंद है, ट्रेन बंद है, और वो 100-100 रुपये, 80-90-90 रुपये का पेट्रोल भरा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें खुद अच्छा नहीं लगता विपक्ष में रह के, कि हम विपक्ष की जवाबदारी निभा रहे हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष मिल के, हम सब मिल के मोदी जी की आँखें खोले, कान खोले, ताकि ये रेट दर वृद्धि कम करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।